फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं टीच ओनली 99 टेक्निकल हेल्प। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरे तरह ब्लॉगर हैं और आपको कोई पोस्ट लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं मिलता है? जब उसे ज़रूरत होती है, आपको बाद में पता चलता है कि वर्ड जब तक उसके ऊपर कई सारे आर्टिकल पहले से लिखे जा चुके होते हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम वैसे ज़्यादातर बिगनर्स को ही होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा कीवर्ड किस टाइम पर रैंक हो रहा है, किसकी सर्चेस ज़्यादा हैं, किस पर हमें वर्क करना चाहिए जिससे हमारी ब्लॉग या फिर वेबसाइट रैंक हो सके। तो आपको टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब मैं नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे टॉपिक के बारे में पता ही नहीं चलता था कि मैं किस पर आर्टिकल लिखूं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, आपके पास जो भी डिवाइस हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी हो जिससे भी आप ब्लॉगिंग करते हैं। तो देखिए, मैं अभी मोबाइल से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको गूगल ओपन करना है। तो यहाँ पर गूगल पर आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। वैसे मुझसे ये ट्रेंड बोलते नहीं बनता, पर फिर भी आप बाकी समझ जाइए, क्योंकि कुछ लोगों को होती है कुछ प्रॉब्लम जो वो नहीं बोल पाते। मुझे ट्रेंड्स बोलते नहीं बन रहा है, फिर भी आप स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए, गूगल ट्रेंड्स। इतना करने के बाद आप जैसे इसको सर्च करेंगे, सॉरी बैक हो गया, तो देखिए गूगल ट्रेंड्स जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर ही विजिट करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर मैं आपको बताता हूँ आपको ये कैसे यूज करना है, इसके टॉपिक का आइडिया कैसे लेना है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन कीवर्ड को तो हम यहाँ से मिल जाएंगे टॉपिक, पर हमें उन पर काम करना है, कितना कंपटीशन रहेगा, क्या कैसा रहेगा, ये इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस पर पहले आपको टॉपिक फाइंड करना बता रहा हूँ, फिर अगली वीडियो में बताऊँगा कि वो टॉपिक कितनी सर्चेस है, CPC कितना मिलेगा, काम करने में कितना कंपटीशन रहेगा, ये सब कैसे आप पता करेंगे, वो भी फ्री में। तो इसके लिए आप ये सब जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपकी हेल्प होती है तो। बस मुझे इतना ही चाहिए, फ्री में बाकी सब कुछ आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा। तो इसके लिए आपको जैसे इस तरह यहाँ पर इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं, वैसे नहीं तो आप क्या करंट में चल रहा है ये मैनुअली जानना चाहते हैं जो गूगल ट्रेंड्स की तरफ से जो बताया जाएगा, तो उसके लिए आपको ये जो थ्री ये लाइनें दिख रही हैं इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए ट्रेंडिंग सर्चेस, इस पर क्लिक कर देना है। ट्रेंडिंग सर्चेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अभी ओपन हो रहा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये जो इस टाइम पर करंट में सर्च हो रहा है जो सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पर ये सर्चेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा टाइटल टॉपिक और ये रहा सर्चेस। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आप इस वैसे तो यहाँ पर मिक्स रहता है, बहुत सारे टॉपिक होंगे, हर तरह के टेक्निकल, हेल्थ और ब्यूटी व्यूटी सब कुछ चलता रहता है, पर आपको अपने सिर्फ अपने ही टॉपिक का चाहिए, क्योंकि हमें बाकी टॉपिक से क्या मतलब। तो इसके लिए आपको चाहे तो यहाँ पर आप, और एक तो हर लैंग्वेज में होगा तो वो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, सॉरी ज़्यादा बैक हो गया। ये यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स पर आना है, यहाँ से हमें अपनी इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप जिस भी कंट्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसको टारगेट कर रहे हैं, तो वैसे तो मैं फ़िलहाल वैसे आप सब इंडियन ही होंगे जो भी देख रहे हैं वीडियो। तो आपको ये देखिए, ये गोल गोल सा बन दिख रहा है इंटरनेट का सिंबल जैसे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं तो इंडियन हूँ, आप लोग भी वैसे इंडियन ही होंगे, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपको सिर्फ इंडिया में जो सर्च हो रहा है वो दिखाई देगा। देखिए ये सिर्फ इंडिया में सर्च हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये सब इंडियन टॉपिक है जो इस टाइम पे सर्च हो रहे हैं। तो देखिए हमारा ये एक तो इंडियन टॉपिक मिल गया आपको, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर ये लॉकडाउन अपडेट 20 सर्च हुआ है, और देख सकते हैं ये सब जानकारी यहाँ से मिलेगी, कोरोना वायरस ये सब सारी जानकारी हैं। अभी आप नहीं टॉपिक के हिसाब से कैसे सर्च करेंगे, तो इसके लिए और एक चीज़ और आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये तो डेली सर्चेस है जो रोज़ सर्च होता है, और रियल टाइम सर्चेस जो अभी करंट में सर्च हो रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है, रियल टाइम सर्चेस पर, जो अभी जो आप वीडियो जिस टाइम देख रहे हैं उस टाइम क्या सर्च हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं इस पर। तो देखिए ये क्या सर्च हो रहा है, देखिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये सर्चिंग जो है ये लगातार बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना वायरस अप्रैल, और यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, न्यूज़, बॉलीवुड मूवीज, हर चीज़, हर टॉपिक यहाँ पर मिलेगा। पर आपको सिर्फ अपना टॉपिक चाहिए तो अब इसके लिए मैं बताता हूँ, कंट्री तो हमने सेलेक्ट कर ली, हमारी इंडियन कंट्री के हिसाब से ही सर्च दिखा रहा है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह का निशान, ये आप देख सकते हैं एरो,
इसको क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो देखिए यहाँ पर ये सारी कैटेगरी है, आपका जिस भी कैटेगरी से वेबसाइट या ब्लॉग है आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है, बिजनेस है, ऑल कैटेगरी कर रहने देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा टेक्निकल है तो टीच एंड साइंस करता हूँ, तो देखते हैं हमारे टीच एंड साइंस में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर आप देख, ये क्या हो रहा है हमारे में, ये नासा वासा, हाँ वैसी, हाँ ये टीच एंड साइंस दोनों मिक्स है ना, तो साइंस का भी दिखा रहा है। जैसे देखिए टेक्निकल से रिलेटेड ये है रेडमी, गूगल पे, गूगल प्ले, और ये साइंस ना उसमें साइंस में आ गया नासा का, तो इसमें दोनों मिक्स हैं। और रीड मोर करेंगे तो और ढेर सारे आर्टिकल मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे जिन पर हम वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेडमी का था, टेक्निकल वाला दिखाता हूँ मैं, जैसे ही आपको मान लीजिए इस पर वर्क करना है, तो देखिए अभी इसके इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और कीवर्ड के आइडिया लगेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, अभी ये ओपन होगा और नीचे आपको और भी कीवर्ड और आर्टिकल मिल जाएंगे, तो आप यहीं से अपना कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। देखिए ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है कितना, इससे आपको पता चल जाएगा कितना कब सर्च हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए रेडमी गाइड्स ऑन हाउ टू मोड रेडमी K30 Pro इंट्रो, तो देखिए यहाँ पर टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितना सर्च हो रहा है ये बताना भूल गया था। जैसे ही आप कोई भी टॉपिक आपका टॉपिक से रिलेटेड मिल गया उसके बारे में, फिर देखिए यहाँ पर कीवर्ड कितने सारे मिलेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए ये सब कीवर्ड आप इन सब का यूज कर सकते हैं, अपने आर्टिकल पोस्ट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। तो आप और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से अपना टॉपिक तो सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक का आपको कीवर्ड पता चल गया कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, क्या सर्चेस हो रही है, अब उस कीवर्ड के लिए आप टाइटल कैसे बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ कीवर्ड छोटा सा होगा उसके लिए हमें एक बड़ा सा टाइटल बनाना पड़ता है, तो आप ये टाइटल क्या रखेंगे, उस टाइटल या कीवर्ड पर CPC कितना मिल रहा है और वो सर्चेस कितनी है, कंपटीशन कितना है, ये सब कुछ है आप कैसे पता कर सकते हैं उस कीवर्ड पर काम करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।